नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के समीप अनियंत्रित ट्रक ने एनएच किनारे तरबूज के दुकान को रौंदा, 3 लोगों की हुई मौत। एसकेएमसीएच में पारा मेडिकल के छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करते हुए किया प्रदर्शन। और जयपुर ओपी क्षेत्र के पोखरियारा के समीप ऑटो और पिकअप में भीषण टक्कर, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, अब खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के समीप अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे तरबूज के दुकान को रौंदा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना हो गया ये 6 बजे, करीब 6 बज के कुछ मिनट में हुआ। गया था वो लड़का काम कर उधर तरबूजा दे रहा था लेने के लिए, और 3-4 लड़के थे। गाड़ी उधर से छपरा से आ रहा था बालू लाद के, वो ट्रक था। एक्सीडेंट हो गया है रेवा घाट पर, रेवा पुल पे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जिले की सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के पास की है। यहाँ सड़क किनारे कुछ लोगों ने तरबूज की दुकान लगा रखी थी और इसी बीच यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान सरैया के मानिकपुर निवासी 16 वर्षीय मोहम्मद महफूज, सरैया के 19 वर्षीय आकाश कुमार और अहियापुर दादर स्थित हरपुर लाहौरी निवासी 20 वर्षीय नीरज कुमार है, जबकि घायल में 12 वर्षीय मोहम्मद जावेद है, उसे पटना रेफर किया गया है। इधर घटना की सूचना लोगों ने सरैया थाना की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची सरैया पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, सबको पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पूरी तरह जाम कर दिया, बांस बल्ले और चौकी लगाकर हंगामा किया, रोड पर आगजनी भी की गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क किनारे लोग अपने खेतों से तरबूज लाते हैं और सड़क किनारे रख कर बेचते हैं, वहां से गुजरने वाले राहगीर उनसे तरबूज खरीदते हैं। इसी दौरान घटना हो गई। घटना हो गया ये 6 बजे, करीब 6 बज के कुछ मिनट में हुआ। गया था वो लड़का काम कर उधर तरबूजा दे रहा था लेने के लिए, और 3-4 लड़के थे। गाड़ी उधर से छपरा से आ रहा था बालू लाद के, वो ट्रक था। और ट्रक आया उसके बाद एक बाइक पता नहीं मोड़ दिया उस यहाँ से वहाँ तक, उतना दूर था। और जाके साइकिल 3 को था, तीनों साइकिल अंदर और 4 लड़का अंदर ट्रक के अंदर। मौत कई का हुआ है? 3 हो गए। क्या क्या नाम था वो लोग का? एगो का आकाश नाम था, और एगो का नीरज, और एगो महफूज जानो। तीनों का घटनास्थल पे मृत्यु हो गया, एक ही जगह हुआ है। एक्सीडेंट हो गया है रेवा घाट पर, रेवा पुल पे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। मार दिया, कुचल दिया है। को? 4 को, कोई एक घायल है। वहाँ एक्सपोर्ट डेट है। यही है हॉस्पिटल में। एसकेएमसीएच के पारा मेडिकल के छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल के छात्रों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर आज बुधवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया गया है। छात्रों की मांग है कि पारा मेडिकल काउंसलिंग का गठन यथाशीघ्र किया जाए, सभी ट्रेड से 2-2 सदस्यों को जोड़ा जाए, बिहार पारा मेडिकल का सत्र नियमित किया जाए, लंबित परीक्षा ली जाए, साथ साथ लंबित परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए, सभी जिला में संचालित पारा मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को पढ़ने के लिए यथाशीघ्र ट्यूटर, डेमोंस्ट्रेटर, लेक्चरर की नियुक्ति व्यवस्था की जाए, छात्रों को स्टिपेंड दिया जाए, छात्रावास की व्यवस्था की जाए। बिहार में शुरू किए गए नए पारा मेडिकल जैसे एंथीशिया टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हॉस्पिटल डेमोसीलियर केयर असिस्टेंट, आर्थोटिक्स एवं आर्थोटिक्स एंड प्रेस्टेट प्लास्टर टेक्नीशियन आदि की नियमावली बनाई जाए, जिसमें छात्रों का भविष्य पता चल सके। सभी सारी मेडिकल सरकारी कॉलेजों में ग्रेजुएशन यूजी एंड मास्टर डिग्री पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए। लेकिन इस बार हम लोग पूरे बिहार के स्टूडेंट अलर्ट है, अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हड़ताल पर रहेंगे, अगर नौबत आया तो सुसाइड भी कर लेंगे।
क्योंकि मजबूरी अब नहीं सह सकते हैं। सब लोग निम्न परिवार के छात्र है, दूर दूर से पढ़ने आते, नहीं स्टाइपेंड मिलता है जो घोषणा किया गया है वो, नहीं छात्रावास की व्यवस्था है, सेशन इतना लेट चल रहा है, 2 साल का कोर्स 5 साल में करवाया जा रहा है, नहीं काउंसिलिंग का गठन है, काउंसिलिंग का तो गठन ही नहीं है। पैरामेडिकल स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि यहाँ से अगर हम 5 साल में पास भी होकर जाएंगे तो हमारा भविष्य आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारा पैरामेडिकल छात्र को जो है ना भविष्य पूरे अंधकार में है, इसीलिए हम सरकार को लास्ट बार चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द 5 से 10 दिन में हम लोगों की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी तक हम लोग डिपार्टमेंट को बाधित नहीं किए हैं, लेकिन कल से ताला जड़ देंगे, OPD हो सब जगह ताला लगाएंगे, समझे। वो सिर्फ रात में आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं, घूम के चले जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं, पहले उनको ये पता नहीं है कि कमजोर कहाँ से है। पैरामेडिकल छात्र जो छात्र है वो मेडिकल साइंस का बैकबोन है, वो उनको समझना चाहिए। छात्र नहीं पढ़ेगा तो फिर देश का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवाने से काम नहीं होता है, मंदिर मस्जिद बनवाने से काम नहीं होता है, सड़क रिपेयर करवाने से नहीं होता है देश डेवलप। स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट के सारी सुविधा मिलेगा तब जाके खुद स्टूडेंट डेवलप करेगा, मिलेगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला, ना ही हॉस्टल मिला, ना ही स्टाइफन मिल रहा है, ना ही हम लोग का एग्जाम टाइम पे लिया जा रहा है। नवंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव जी आए थे, खबर मिल रही है कि फिर वो आने वाले हैं, तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे अगर तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है बात? उनसे यही कहना है कि हम लोग का जो सेशन है उसको नियमित किया जाए और हम लोग का एग्जाम टाइम पे लिया जाए। हम लोग का 2 साल का कोर्स 5 साल में कराया जाता है, रिजल्ट देने के बजाय इतना दिन पर रिजल्ट आता है, बाहर में हम लोग रहते हैं, हॉस्टल नहीं मिलता है, इतना परेशानी होती है आने जाने में। बिजली विभाग द्वारा शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने खोला मोर्चा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा मुजफ्फरपुर में प्री पेड मीटर यानी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है, कई एक भागों में वह लग भी गया है, लेकिन आम लोगों की ये शिकायत मिल रही है कि मीटर दोगुना से चौगुना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, उसका रनिंग जो मीटर का है पहले के मीटर से दोगुना से चार गुना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, जिससे कि जो बिलिंग हो रहा है वह जो आदमी 1,000 रुपया महीना देता था उसे 3,000-4,000 रुपया का बिल उसको उठ रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा इन दिनों लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर में खामियां बताते हुए कहा कि या तो इस मीटर की रीडिंग गलत हो रही है, अन्यथा इसकी एजेंसी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत उपभोक्ताओं के आर्थिक दोहन पर उतारू है। बुधवार को कलमबाग स्थित अपने कार्यालय में बुलाए गए प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस मीटर की जो रीडिंग आ रही है वह पहले वाले मीटर के रीडिंग से दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी तक अधिक है। इस कारण विद्युत उपभोक्ता परेशान है, और तो और उन्हें अपना उदाहरण देते हुए बताया कि बगैर उपयुक्त अभियंता और टेक्नीशियन के उनके घर पर लगाए गए मीटर में आग लग जाने के कारण लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इसके शिकायत पर विभागीय अधिकारी द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि नुकसान की भरपाई की जाएगी, वह भी अभी तक लंबित है। दूसरी ओर गलत रीडिंग पर कटौती जारी है जो परेशानी का सबब है। पूर्व मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि लोग अपना विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराकर और ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उपयोग करें। उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और जिम्मेदारी पदाधिकारियों को इस मामले में एजेंसी के खिलाफ जांच कराने और सही रीडिंग चालू कराने की मांग रखी। साथ ही चेताया कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जनसमूह के साथ विद्युत विभाग के परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही आंदोलन को व्यापक रूप भी दिया जाएगा। आंदोलन की जिम्मेदारी विद्युत एजेंसी और जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार की होगी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा मुजफ्फरपुर में प्री पेड मीटर यानी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है, कई एक भागों में वह लग भी गया है, लेकिन आम लोगों की ये शिकायत मिल रही है कि मीटर दोगुना से चौगुना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, उसका रनिंग जो मीटर का है पहले के मीटर से दोगुना से चार गुना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, जिससे कि जो बिलिंग हो रहा है वह जो आदमी 1,000 रुपया महीना देता था उसे 3,000-4,000 रुपया
का बिल उसको उठ रहा है, यानी वो प्री मीटर से उसका डिटेक्ट हो रहा है। इसलिए पूरी यह जो है यह जो काम हो रहा है यह बिल्कुल अनियमित है और इसके अंदर आम लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आम लोगों को गलत बिलिंग करके उससे पैसा गलत बिलिंग कर करके कंपनी पैसा वसूल रही है। हम समझते हैं कि पूरी जनता इससे खफा है और सरकार इसके नियंत्रण में ये बोर्ड है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, जिला पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि वो अविलंब इसकी इंक्वायरी करके इसको रोकथाम करें। जो बिल पहले आता था उसके हिसाब से ही 10% 5% आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 200% 400% ज़्यादा होगा तो यह पैसा उनको रिफंड करना होगा, इसके लिए लोग कोर्ट में जाएगा। और जनता कह रही है कि 15 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका निर्णय लेकर के कोई काम नहीं हुआ तो इससे मैंने सप्लाई कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन होगा और यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। यह घटना हमारे साथ खुद की घटी है कि मेरा इनके जो इम्प्लाई है वह अनट्रेंड मैकेनिक है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है। हमारा पूरा 440 मीटर में कर करके और हमारे यहाँ का 2 से 2.5 लाख का सामान बर्बाद हो गया 440 कनेक्शन कर देने के कारण, जिसकी सूचना जिसका इंस्पेक्शन इनके पदाधिकारी भी आकर के किए हैं, SDO भी किए हैं, उन्होंने कहा कि इसका कंपनसेशन कंपनी को देना होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे देखना है कि क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अपना एग्जाम्पल ही नहीं छोड़िए, हम कह रहे हैं कि इस तरह का काम जो हो रहा है वह आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोग इस बिजली विभाग से उग रहा है और ऐसी चर्चाएं बढ़ रही है कि भाई जो सक्षम लोग हैं वह अपने घर पर बिजली का लाइन कटवा करके और वो ये सोलर वाला प्लांट, चूँकि सोलर 1-1.5 लाख रुपया में लग जाएगा और यह बिजली का बिल जिस तरह से हो रहा है वह साल के अंदर ही उस आदमी को 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया गरीब और साधारण लोग को लग जाएगा, इसलिए यह पूरा फ्लॉप करेगा यह स्कीम। वार्ड नंबर 1 के पमरिया टोला में हो रहे सड़क और नाला निर्माण के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड संख्या 1 अंतर्गत पमरिया टोला में बन रहे सड़क एवं नाला निर्माण पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत मिलने पर उन्होंने वार्ड संख्या 1 के पार्षद उमेश कुमार गुप्ता के साथ निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण सामग्री को मानक के विपरीत पाया, लाल बालू की जगह सफेद बालू का प्रयोग किया जा रहा था, गिट्टी भी घटिया किस्म की इस्तेमाल हो रही थी। उसके बाद चल रहे कार्य को तत्काल रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि वे नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को चल रहे कार्य की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि नगर निगम द्वारा 13 लाख की लागत से वहां सड़क एवं नाला का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य की जिम्मेदारी संवेदक रिंकी देवी को दी गई है। चल रहे कार्यों की निगरानी का जिम्मा कनिया अभियंता राजकुमार के पास है। निरीक्षण के बाद वार्ड पार्षद उमेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कनिया अभियंता निर्माण कार्य का बराबर निरीक्षण करते हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों भी गड़बड़ी मिली थी, इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने भी की थी। कल वार्ड 1 की जनता ने मुझे कंप्लेन किया था कि मैडम आके यहाँ रोड और नाले की स्थिति को का निरीक्षण कीजिए। तो मैं कल गई थी वार्ड 1 में पमरिया टोला में मस्जिद के पास, वहाँ के रोड नाले को मैंने देखा है तो मानक के अनुरूप वहाँ काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ जो बालू जो यूज़ किया जा रहा है, मतलब मिट्टी में बालू है, मान के चलिए बालू में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में बालू है, और जो गिट्टी है वो वाइट कलर की गिट्टी है, जो अगर नाला या रोड ढाला जाएगा तो मान के चलिए कि एक बरसात में ही वो रोड और नाला टूटना है। तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को भी एप्लीकेशन दिया है कि वो जाके एक बार निरीक्षण कर लें, वहाँ की स्थिति को देख लें, और तब तक काम को मैंने रुकवाया है। आगे अब इसमें क्या होगा? आगे मैं देखूंगी कि आगे काम, मैं 3 दिनों का मोहलत नगर आयुक्त महोदय को दी हूँ, वो जाके निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा।
जब निगम के इंजीनियर कार्यस्थल पर जाके निरीक्षण करते रहते हैं उसके बावजूद इस प्रकार की घटना हो रही है तो लगता है निरीक्षण तो नहीं हो रही है क्योंकि लोगों का ही कंप्लेन था कि मैडम अभी तक कोई भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि या फिर जो इंजीनियर हैं यहाँ नहीं आए हैं, ठेकेदार ही सिर्फ काम कर रहे हैं, इसलिए उनके कंप्लेन पर मैं वहाँ गई थी। बिकनपुर मोड़ के समीप राजमहल के नए प्रतिष्ठान जैकवार बाथ फिटिंग शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। बुधवार को बिकनपुरा मोड़ पर राजमहल के नए प्रतिष्ठान जैकवार बाथ फिटिंग शोरूम का उद्घाटन प्रोपराइटर शशि रंजन कुमार सिंह के पिता चंद्रशेखर सिंह और माता राजकुमारी देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस शोरूम के उद्घाटन के दौरान जैकवार बाथ फिटिंग्स के सीनियर एजीएम अनुपम कुमार, बिहार ब्रांच हेड विकास तिवारी मौजूद रहे। एजीएम अनुपम कुमार ने बताया कि जैकवार बाथ फिटिंग्स का ये मुजफ्फरपुर में दूसरा सबसे बड़ा शोरूम है। भगवानपुर में राजमहल के द्वारा पहले से ही मुजफ्फरपुर में जैकवार बाथ फिटिंग उपलब्ध कराया जाता है, पर अब हमारे नए प्रतिष्ठान में एक ही छत के नीचे जैकवार बाथ फिटिंग्स की विस्तृत और एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। हमारे द्वारा कंपनी से ट्रेंड प्लम्बर के द्वारा आपको घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैकवार का कंप्लीट रेंज है, यहाँ एक्सक्लूसिव शोरूम है मुजफ्फरपुर शहर के लिए और ये फॉर्म फ्रॉम 1986 स्टार्ट है। जो नए कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए क्या कुछ नया रहेगा? काफ़ी सुविधा के साथ सभी सामान हर समय उपलब्ध रहेगा। जो है जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ आपको ट्रेनिंग का भी व्यवस्था रहता है, कंपनी के स्टाफ जो है हर समय ट्रेनिंग देते रहते हैं प्लम्बर्स को, क्योंकि यहाँ जितने भी महंगे प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे तरह से इंस्टॉल करने का कंपनी के द्वारा भी किया जाता है। और कोई ऐसा महंगा बैलेंस का प्रोडक्ट है जो कि जैसे सावर इनक्लोजर है या जकूजी है तो इसके लिए कंपनी व्यवस्था करती है और कंपनी जाके ऑन साइट उसको इंस्टॉलेशन का व्यवस्था करता है। बस सिर्फ आके उनको अपना कोई भी कस्टमर जो हमारे हैं उनको आके यहाँ पर पसंद करना है और साइट का बताना है एड्रेस, बाद बाकी कंपनी के लोग जो महंगे आइटम है उसका इंस्टॉलेशन मेलनेस का कंपनी की तरफ से होता है। ये मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और हम एज ए यहाँ केयर टेकर या मैनेजर कर लीजिए इस शोरूम के, बस उसी के तौर पर हमें ये जैकवार का ये पहला ब्रांड स्टोर खुला है जिसमें सैनिटरी वेयर, सीपी फिटिंग्स, लाइटिंग्स की टोटल रेंज, वेलनेस की रेंज, सावर इनक्लोजर्स कंप्लीट रेंज एक रूफ के अंदर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे जो भी जैकवार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे एक्सक्लूडिंग लाइटिंग। पहले से भी है और ये इस एरिया में आउटर लोकेशन पे हम लोगों ने एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर खोला है जहाँ पे सिर्फ अभी जैकवार के ही सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। जैकवार का जो हमारा रेंज है सीपी फिटिंग्स आता है, सैनिटरी वेयर है, साथ में वेलनेस के भी रेंज अवेलेबल रहेंगे, सावर इनक्लोजर्स के रेंज अवेलेबल रहेंगे और थोड़ी देर के बाद में हम लोग लाइटिंग्स के भी सारे रेंज को यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। इससे कस्टमर मतलब अपने लाइटिंग की रिक्वायरमेंट को और अपने बाथरूम्स की जो भी एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट है वो सबको एक ही रूफ के अंदर में नीड को फुलफिल कर सकते हैं। बीबीगंज में 11 मई को बेल्जमार्ट शोरूम का भव्य शुभारंभ किया जाएगा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार से मिलेगा टाइल्स और बाथ फिटिंग्स का एक ऐसा शोरूम जो 10,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है। गुरुवार को बेल्जमार्ट के दूसरे एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन विनोद अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल और अमित जायसवाल ने चांदनी चौक रेलवे ओवरब्रिज के पास बीबीगंज में करेंगे। बेल्जमार्ट शोरूम के प्रोपराइटर विक्रम अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लोग अब बड़े शहरों की तरह घर को खूबसूरत बनाने के लिए आकर्षक टाइल्स और बाथ फिटिंग का उपयोग कर रहे हैं। अभी तक उन्हें महानगरों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, पर बिल्डमार्ट के इस नए शोरूम के खुलने के बाद इस स्थिति में बदलाव आएगा। शोरूम को इस तरह तैयार किया गया है कि ग्राहकों को अपना पसंदीदा प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होगी। AGL टाइल्स का यह शोरूम 10,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है। यह मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा शोरूम है, इसमें लगे टाइल्स डिस्प्ले लोगों को काफी आकर्षित करेंगे। मेरे शोरूम का कल उद्घाटन है और इसका उद्घाटन कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सौनक पटेल के द्वारा किया जा रहा है और कल कस्टमर से का यही अपेक्षा है कि कल के दिन में अगर आप वो कल खरीदारी करते हैं तो हमारे दुकान की तरफ से कल के दिन बहुत अच्छा डिस्काउंट में उनको मटेरियल मिलेगा और एक उपहार भी देंगे उनको।
बस यही है। ये ऑफर कब तक चलेगा? कल का विशेष ऑफर है। कल का विशेष ऑफर है वो कल के खरीदारी पर ही पता चलेगा। और बाद बाकी विशेष ऑफर जो हमेशा हमारा चलते आ रहा है कि 30-35% का डिस्काउंट हमारे MRP पे, वो तो हमेशा चलता रहेगा। क्या कुछ उपलब्ध हो पाएगा यहाँ पर कस्टमर्स को? इसमें कस्टमर को बिग साइज़ के टाइल्स है, जैसे 800x1600, 800x1200, 1800x2400, ये सब टाइप टाइल्स रहेंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्चूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1-2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहां उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5-65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए
परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाइएस्ट आप चले जाइए 3,000, 4,000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चले जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087727878 एंड 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छाता चौक मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। कटरा थाना क्षेत्र के कटाई पोखर में एक बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के कटरा के कटाई में पोखर से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिजनों के बीच चीख पुकार मचने लगी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद कटरा थाने की पुलिस मौकाए वारदात पर दलबल के साथ पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं मृतक की पहचान कटाई के भिखारी शाह के 12 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रोशन 8वीं कक्षा का छात्र है। अहले सुबह शौच करने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों के द्वारा खोजबीन शुरू कर दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। वहीं चरवाहे के द्वारा सूचना मिली कि पोखर में एक शव तैर रही है, जिसके बाद घटना स्थल पर परिजन पहुंचे। शव को देखते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हेमंत सहनी का कहना है कि 12 वर्षीय रोशन कुमार, जो कटाई का रहने वाला है, जो अहले सुबह शौच के लिए निकला था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा। चरवाहे के द्वारा सूचना मिली कि पोखर में एक शव तैर रहा है, जिसके बाद हम लोग पहुंचे, अपने स्तर से पुलिस को सूचना दिया और अंचलाधिकारी को भी सूचना दी गई। जो आपदा के तहत राशि होगी वह परिजनों को मुहैया कराई जाएगी। रोशन कुमार साहब पिता भिखारी साहब, वो सुबह 6 बजे के करीब सोच के लिए आया था लड़का, और सोच करके और पानी से वो अपना पानी छूने के क्रम में गया है, पांव पिसल करके उसका मृत्यु हो गया है। तरही पोखर से पूर्व एक पोखर है जो विलास सहनी जी का पोखर है, उसमें पानी में वो पांव पिसलने के कारण उनका मृत्यु हो गया है। और मृत्यु होने के क्रम में जो लोग देखने के बाद तुरंत प्रशासन को फोन लगाया गया, प्रशासन अपने तीव्र गति से आकर के कटरा बरवाऊ से लेकर के और जो भी उनका पदाधिकारी है सारे आकर के, और वो अपना कार्रवाई भी किए हैं। लास्ट पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। सीओ साहब से दुर्भाषा पर बात हुई है, उसमें सीओ साहब से कहा गया है और उनसे यही आग्रह किया जा रहा है कि जो उनका मुआवजा 4 लाख रुपया है, जो पानी में डूबने से मौत होने के कारण मुआवजा दिया जाता है सरकार द्वारा, उनसे अविलंब सीओ साहब से आग्रह किया जा रहा है कि अविलंब इस पे वो अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए इस गरीब को जो मुआवजा है वो उचित। सुबह कहीं और लड़का देखे लगे, हमारा बोल लड़का भाई अलिए खा लिए, फिर
तो कह जे भाई और रोशन न है तो हम कह दिया जाते जाते बरात चल गए होते तो कह बरातियों न गाँव से करो से पूछल केकरो बराती न कोई गल से हम कहीं गए कहाँ ये बच्चा हम अपने कहीं पूरी खाए साँझ में निकल साथ तो हमने तो हम कहें कि कहाँ गए कहाँ गए तो कहीं कि मेला देखे गए होते तो एगो हमारा भागा जी है और से पता लगल कि हमारे तो भागा जी कहकर से बच्चा खेल कूद रहा से शाम तक पहुँच जाएगा है जैतपुर ओपी क्षेत्र के पुखरैरा एनएच पर ऑटो और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में आज हादसों का बुधवार है। सुबह जहां अनियंत्रित ट्रक ने सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के समीप तीन लोगों को रौंदकर मौत के घाट उतार डाला तो वहीं अब जैतपुर ओपी क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्षेत्र के पुखरैरा के समीप यात्री से भरी एक ऑटो को तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने जबरदस्त टक्कर मारी है जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में लोगों ने ऑटो से घायल को बाहर निकालना शुरू किया और फिर बेहतर इलाज के लिए SKMCH भेज दिया। घायल विशाल कुमार ने बताया कि सरैया जा रहे थे, इसी दौरान पुखरैरा के पास एक पिकअप ने ऑटो को सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिला है कि टेम्पू और पिकअप का टक्कर हो गया है। पुखरैरा जो ये अपना है ना टर्निंग पे, तो वही में ये लोग घायल हो गए। 8 से 10 आदमी हैं। हाँ हाँ, टेम्पू ये होता है ना छोटा तीन चक्कर जो टेम्पू होता है वो, और जो पिकअप होता है वो दोनों टक्कर हुआ है। लमसम 8 से 10 आदमी का घायल है और जो भी है तो सीरियस है, देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से सरैया जा रहे थे जिसमें बीच में पुखरैरा में चार चक्का मार दिया, तीन चक्का टेम्पो में पिकअप मार दिया, पता नहीं। सात आठ आदमी रहा होगा। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में गेस्ट टीचर को ड्यूटी से हटाए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे अतिथि शिक्षकों में काफी आक्रोश है। बुधवार को आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने VC से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। इस अवसर पर शिक्षक ललित राय ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह कदम काफी असराहनीय है। अतिथि शिक्षकों में डर है कि कहीं उन्हें नौकरी से निकाल नहीं दिया जाए। इस डर से शिक्षक मानसिक बीमार हो गए हैं। हम लोगों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अतिथि शिक्षकों को फिर से ड्यूटी पर रखे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। खाली हो जाने से 32 अतिथि प्राध्यापक हटा दिए गए हैं। ये अचानक से हटा देना और बिना सूचना दिए, इससे सभी अतिथि प्राध्यापक मानसिक तनाव में है और अंदर ही अंदर उनको एक डर सा बन गया है कि हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया गया, कुलपति महोदय से बात संघ के लोगों ने किया, उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी अतिथि प्राध्यापकों को व्यवस्थित किया जाएगा। छात्रों की संख्या हिंदी विषय में बहुत अधिक है, टीचर की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय इस पर विचार करेगी और तुरंत हम लोगों ने इस पर कुछ निर्णय लेकर के आपको इतना ही नहीं, कुलपति महोदय ने बहुत ही सहृदयता के साथ हम लोगों की बात सुनी। उन्होंने तुरंत रजिस्ट्रार साहब को बुला करके कहा कि आप आदेश हमसे ले लीजिए और तुरंत कुलपति महोदय ने रजिस्ट्रार महोदय को लिखित आदेश दिया और उसके आधार पर कहा गया कि नहीं, इनको बचे हुए जो सीट हैं उन पर पहले नियुक्ति कर दीजिए, जो बाकी लोग बच जाएंगे उसको 20% अतिरिक्त सीट बढ़ा करके जो UGC का नियम है उस चिट्ठी के आलोक में हम लोग सभी टीचर को व्यवस्थित कर लेंगे। ये महीने भर हो गया और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, सभी टीचर आक्रोशित हैं। उसी आक्रोश में आकर के अब छुट्टी भी होने वाली है, जून में गर्मी छुट्टी हो जाएगी। हम लोगों को एक डर बना हुआ है कि यदि अभी हम लोगों का काम नहीं होगा तो फिर आगे कैसे होगा, और इसका इतना ज़्यादा संवेदनशील है हमारे अतिथि प्राध्यापक कि वो एक मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गेस्ट टीचर हटा दिया गया है जो मानसिक अवसाद में गुजरने के कारण वो सुसाइड कर लिया।
ऑटो रिक्शा संघ के सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर समरणालय में प्रदर्शन किया। ऑटो एवं ई रिक्शा के लिए शहर में प्राव स्थल की व्यवस्था करने और पूर्व से जो प्राव आवंटित है उसकी घेराबंदी करवाते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराने, डीजल चालित टेम्पू को तब तक बंद न किया जाए जब तक कि उसकी उचित व्यवस्था न हो, और गाड़ी बदलने हेतु अनुदान देने, शहर में टेम्पू और ई रिक्शा ठहरा बोर्ड का लगाए जाए ताकि शहर में जाम से निजात मिलने हेतु 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर ऑटो ई रिक्शा कर्मचारी संघ के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल से पैदल मार्च निकालकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए समरणालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा कि जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर सहमति बनी है, अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आंदोलन तेज करेंगे। मौके पर संघ के अध्यक्ष AR अनु सहित सैकड़ों ऑटो चालक मौजूद रहे। रूप से लंबित मांगों को लेकर के आज पैदल मार्च निकालने का हम लोग काम किया। हम लोगों जो 8 मांग है, टेम्पो पड़ाव जो पूर्व से आवंटित है उस सबको खाली करवा करके उसको 4 दीवार से घिरवा करके स्टैंड हम लोग को दिया जाए, और जो भी अन्य सुविधा है उसको हम लोग को दिया जाए। दूसरा, शहर में चलने के लिए कहां पर हम लोग गाड़ी रोकेंगे और कहां से सवारी को उठावेंगे उसके लिए ठहराव बोर्ड की व्यवस्था किया जाए। और ये जो तीसरा जो हम लोग का मुख्य मेन मुद्दा है कि पूरे जिले में ठेकेदारी व्यवस्था जो बहाल की जा रही है टेम्पो चालकों पर, पड़ाव की सुविधा नहीं और पड़ाव शुल्क लिया जा रहा है। हम लोगों को मुजफ्फरपुर में तंग तबाह इस कदर किया जा रहा है कि हम लोगों का रोजगार जो है छीनने की कोशिश की जा रही है। आज डीजल गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डीजल गाड़ी पर अनुदान देने की जो बात है उसको करनी चाहिए। अनुदान दे, शहर सुरक्षित हो, ढंग से हो। हम लोग भी चाहते हैं सड़क शहर जो है प्रदूषण मुक्त मुजफ्फरपुर जिला शहर हो, उसके लिए मुजफ्फरपुर पेट्रोल पंप पर CNG की व्यवस्था किया जाए। और ई रिक्शा के लिए जितने भी पेट्रोल पंप है सभी पेट्रोल पंप पर बैटरी चार्ज करने के लिए सुविधा किया जाए। हम लोगों की 8 मांग मुख्य है जो पूर्व से लंबित है, और आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष पैदल मार्च का आंदोलन किया है। आने वाले समय में हम लोग गाड़ियों के साथ प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और तब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग जो है गाड़ियों का हड़ताल आगे। समरणालय परिसर में ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा के सदस्यों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। भूमिहीन को सरकारी जमीन से हटाए जाने के खिलाफ समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा की ओर से कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्गों होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर जिला सचिव उदय चौधरी ने कहा कि सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पर सड़क किनारे, बांध किनारे एवं पोखर किनारे बसे हुए भूमिहीनों को उजार रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उजार कर बेघर कर दिया गया। वहीं कुछ लोगों को नोटिस दी गई है, जमीन खाली करने की हम लोग इसका विरोध करते हैं। सरकार से मांग है कि भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराए और सरकारी जमीन में बसे हुए लोगों को उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। साथ ही उन्हें ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पर बैठे पहलवानों का समर्थन किया। वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। खेत मजदूर किसान सभा के जिला कमेटी के आह्वान पर जिला समरणालय के समक्ष जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग है ये राज्य सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पर मुजफ्फरपुर के कभी करीब हजारों जो है कि आपको भूमिहीन को जो है कि आपको नोटिस थमा दिया है, जो बांध पर बसे हुए हैं, रोड पर बसे हुए हैं, आपको पोखर पर बसे हुए हैं, तमाम लोग जो है कि आपको मैंने उसको उजारने का बुलडोजर चलाने का जो है कि नीति सरकार का है। हम मांग करते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो जमीन पर ही रहेगा। ये सरकार नीतीश जी का RJD और जो है कि जनता दल का सामाजिक न्याय की सरकार है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि तमाम जगह पर जो है हम लोगों का मांग है कि उसको पहले आप बसाइए घर देके तब जो है आप उजारिए। हमारा ये एक मांग है। दूसरा मांग है कि आपको बहुत सारे ऐसा परिवार है जो 50 साल से बसे हुए हैं लेकिन उनको बास्किट पर्चा जो है कि मुसारी CO जो है नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक जिस जमीन में बसे हुए हैं वो जमीन के मालिक अगर सहमति देंगे तब जो है पर्चा देंगे, जिसके कारण बहुत सारे गरीब को जो है इंदिरा आवास माने पास हो गए हुआ है, घर नहीं बनता है। बरसों से जो हम लोग उसको बास्किट पर्चा का मांग करते हैं, नहीं जो है मिल रहा है। दूसरी बात है कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर जो है कि अब इंदिरा आवास जो मिलेगा उसको राशन कार्ड अनिवार्य है।
तो राशन कार्ड भी जो है कि आपको नहीं बनता है, आपको ब्लॉक में दलाल के माध्यम से उनमें खूब घुसखोरी चल रहा है। तो ये भी मेरा मांग है कि हर प्रखंड पर एक राशन कार्ड बनाने का काउंटर खोला जाए। दूसरी बात है कि बिजली बिल में आपको बहुत सारा अनियमितता है, बहुत सारा जो है गड़बड़ियां हैं। आपको जो है 20,000-25,000 एक बार 50,000 का बिल आ जाता है। हम लोग जो है बिजली विभाग के यहाँ कार्यालय में भी प्रदर्शन किए थे, लेकिन कहीं जो है पेटिशन देते हैं, सुधार का कोई प्रक्रिया नहीं है। तो और आपको जो है ओलंपिक जो महिला खिलाड़ी है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।